बीते दिनों बरेला के हिनोतिया में शिव मंदिर के सेवादार की हत्या का खुलासा बरेला पुलिस ने करते हुए मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में पकड़ाया गया आरोपी बेटा सेना में पदस्थ था और राइफल चोरी करने का आरोप उस पर लगा हुआ है और इस पूरे प्रकरण में मृतक द्वारा 50,000 रुपए अपने बेटे को नहीं दिए जाने की बात। आरोपी पुत्र घटना के दिन अकेला घर से निकला और गाँव से चंद दूरी पर बने शिवधाम मंदिर में सो रहे 75 वर्षीय पिता के चेहरे पर दनादन हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पुत्र को पुलिस ने 19 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपने पिता को बहुत पहले भी मारने का प्रयास किया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि पिता की हत्या के लिए उसने 15 दिन पहले प्रयास किया था और आरोपी अपने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला करना चाहा, परंतु वह उसमें सफल नहीं हो पाया था। बरेला की हनोतिया भोई ग्राम में रहने वाले मृतक 75 वर्षीय गोपाल प्रसाद मार्को नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद गांव में ही पास शिवधाम मंदिर बनवाया था, जहां पर रहकर वह पूजा पाठ करता था। परिवार के लोग उसे शिवधाम में ही भोजन लाकर दिया करते थे। बरेला पुलिस बताया कि मृतक गोपाल प्रसाद मार्को का 40 वर्षीय पुत्र कमलेश मार्को शराब पीने का आदी था। उसने वारदात को अंजाम देने के 3 दिन पूर्व गोपाल प्रसाद मार्को से भोपाल जाने के लिए 50,000 रुपये की मांग की थी, पर पिता ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया था। और वही इस बात से आरोपी पुत्र नाराज हो गया और बीते 7 से 8 जून की दरमियानी रात कमलेश हथियार लेकर शिवधाम मंदिर पहुंचा था और जहां पर गहरी नींद में सो रहे पिता पर उसने धारदार हथियार से चेहरे पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद कमलेश पिता के जनेऊ में बंधी हुई चाबी निकालकर और वहीं पर रखी पेटी में 15,000 रुपये निकालने के बाद घर पर आकर सो गया था। घटना की जानकारी दूसरे दिन सुबह परिजनों और गांव वालों को लगी। कुछ ही देर में यह खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। वारदात को अंजाम देने वाला मृतक का पुत्र कमलेश करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचा। इस दौरान आरोपी कमलेश भी पुलिस के साथ खड़ा था और कार्रवाई में सहयोग करवा रहा था। उन पे संदेह इसमें ऐसा था कि क्योंकि आपको विदित है इस घटना को 15 से 20 दिन हो गए हैं, इसमें सारे बिंदु जो हैं उनका एग्जामिनेशन किया गया, जितने वहाँ नशा करने वाले लोग जो संभावित थे उनसे पूछताछ हुई, आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, फिर कुछ लोगों को ऐसा संदेह था कि इनका अपने पिता से कुछ पैसों को लेकर के कुछ ऐसा एक अंडरकरंट था वहाँ पे इस तरह की चीज़। तो फिर सारी चीज़ों को देखते देखते फिर कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा था, तो एक पॉइंट इनके इन पे भी जब संदेह गया तो इनसे जब पूछताछ हुई तो फिर ये सारा मामला निकल गया। सर, ये बरेला पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें टीआई बरेला सुशील, डीएसपी ग्रामीण अपूर्वा और उनकी टीम ने एक जो एक अंधी हत्या जो हुई थी ग्राम हिमोतिया में, थाना बरेला में 8 जून को, जिसमें एक मंदिर के जो पुजारी थे उनकी हत्या हुई थी, उसमें अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध जो मुकदमा कायम किया गया था 302 का, उसका पर्दाफाश हो गया है। उसमें जो आरोपी हैं ये मृतक के सगे बेटे ही निकले हैं। इनके सगे सुपुत्र कमलेश मार्को 40 वर्ष ने ही इनकी हत्या की है और उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी लिया है। कुल मिलाकर के ये जो हत्या हुई है पैसे को लेकर के हुई थी। कमलेश मार्को पूर्व में आरक्षक भी रह चुके हैं, 6th बटालियन से SISF में कार्यरत भी रहे हैं और 2019 में उनके विरुद्ध एक राइफल चोरी करने का मुकदमा भी कायम हुआ था, जिसमें वो तत्काल वो राइफल जल्दी से वो रिकवर भी हो गई थी और उनको 3 महीने अरेस्ट करके उनको केंद्रीय जेल में भी निरुद्ध हुए थे। फिर वो वहाँ से छूटे, फिर वो गैरहाजिर हो गए, फाइनली वो बर्खास्त भी पिछले साल हो गए थे। फिर यहाँ पे अपने गांव में वो रह रहे थे और उनको अपने पिता से जो मृतक थे उनसे अपेक्षा थी कि वो उनको पैसे दें और कुछ पैसे भी 30,000 की उनको आवश्यकता भी थी। चूँकि पिता ने उनको पैसे देने से इनकार कर दिया था
इसी कारण वो अपने पिता से द्वेष रखते थे, इस कारण से उन्होंने उनकी हत्या कर दी। कुल मिलाकर के ये इस प्रकरण का जानकारी। घटनास्थल पर मौजूद थे पुलिस। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष बात्री की रिपोर्ट।